अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। कल जुम्मा कर्नाटक बेंगलुरु शहर एलंका में कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पावर प्लांट में जुम्मा के दिन हुए धमाके में कम से कम 15 इंजीनियर्स झलस गए। इतला मिलते ही फौरन फायर ब्रिगेड्स जायवाक़े पर पहुंच गई। मुकामी अफराद के मुताबिक का कहना है कि पटनडली में रात 3 बजे के करीब यह हादसा पेश आया। 15 इंजीनियर जख्मी हुए हैं, इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई गई है। उन्हें मुकामी अस्पताल में दाखिल किया गया है। KPCCL के एक सीनियर अफसर ने बताया कि बदकिस्मती से यह हादसा पेश आया, जबकि तमाम हिफाजती इकदाम किए गए थे। प्लांट की तस्सीब के आखिरी वक्त टेस्टिंग के दौरान यह वाकया पेश आया। ये 50% जख्म आए। तमाम जख्मियों को मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया। याद रहे कि इस धमाके में कम से कम 15 इंजीनियर झलस जाने की इतला मिली है और कम से कम 2 या 3 की हालत नाजुक बताई गई है। इससे पहले भी हमारे पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के अंदर ऐसी एक फैक्ट्री में धमाका हुआ था, तो इसमें बहुत सारे जख्मी हुए थे और बहुत सारे जानवरों की मौत हो चुकी थी और बहुत सारे आदमियों की भी वहाँ पर मौत हो चुकी थी। तो हुकूमत कर्नाटक और हुकूमत हिंद को ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे ख़तरनाक फैक्ट्रियों को गाँवों से दूर रखा जाए। अगर गाँव के अंदर है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करके उसको फैक्ट्री को मुंतकल करके गाँव से कहीं दूर रखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर कुछ गाँव वालों को इस फैक्ट्री से कुछ हो जाता हो तो ज़िम्मेदार कौन होगा? ये तो फैक्ट्री के काम करने वाले इंजीनियर्स 15 लोग झलस गए, ये फैक्ट्री वालों की ज़िम्मेदारी है। अगर गाँव वालों को कुछ हो जाता तो बहुत ख़तरनाक होता था। तो आप देख रहे हैं वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ आपके इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के ज़रिए।